आपने हमारा थंबनेल देख के एंड टाइटल देख के समझ लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। एंड अली की बर्थडे के बाद ये हमारा दूसरा व्लॉग है और हमारे जैसे कि हमने कहा था कि हम लोग जैसे पेपर्स खत्म होंगे आप लोगों को डेली व्लॉग्स आएंगे, तो यार हम लोग जा रहे हैं सरगोधा और अभी इन लोगों के सैटरडे को पेपर होना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा खत्म हुए हैं और बहुत ज़्यादा कैमरा हिल रहा है बिकॉज ऑफ हम लोग रोड पर हैं, दैट्स व्हाई कैमरा इतना हिल रहा है। सो हम अभी गाड़ी में, अभी हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया है, सो हम आपको फिर वहाँ का पूरा मतलब दिखाएंगे अच्छे से। और हम फर्स्ट टाइम इस तरीके से व्लॉग कर रहे हैं तो हम लोग आपको पूरा क्या क्या है और एंड हमारा भी एक्सपीरियंस ये है। हम कराची से तो आए हैं जा रहे हैं लेकिन हम फर्स्ट टाइम इस तरह से गोदा जाने, मतलब हम फर्स्ट टाइम ही गए थे लाइफ में जब हम छोटे से थे, बट अब हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम इस तरह। तो हम आपको आप दिखाएंगे क्या करते हैं और मतलब एक गांव टाइप भी लेकिन विलेज का पूरा माहौल वगैरह सब इन्वायरमेंट दिखाते हैं। सो एवरी वन सेकेंड ये सो हम आपको बता देते कि हम अभी लाहौर में हम निकले हैं एंड सैटरडे आज, सो हमारा वीकेंड भी है तो हमने सोचा कि आज ट्रिप कर लेते हैं थोड़ी सी, सो हम मिलके भी आ जाएंगे। सो वहाँ हम बाबा के थोड़े रिलेटिव्स हैं सो हमने उनसे मिलना है एंड आपको भी पूरा दिखाएंगे। और अभी और मतलब हमारा भी इस तरह कि हम लोग मतलब ये शहर है वो लाइफ एक अलग है तो वो लाइफ हम एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो वो क्योंकि हम आए थे कोई 5 to 6 ईयर्स पहले लाहौर कराची से, पहले हम ऐसे आए थे जब कजन वगैरह से मिलने नहीं था, बिल्कुल नहीं था मतलब हाँ यहाँ हम अपने आए थे रिलेटिव, बट जब ये था कि हम लोग कराची से डायरेक्ट आ रहे थे हम लोगों का कोई एक स्टे तो था ही नहीं, मतलब हम परमानेंट वगैरह तो कुछ भी नहीं था तो हम नॉर्मल आए थे ऐसे घूमने वगैरह। हम लोग मतलब लाइक बाय रोड आते हैं तो इसी उस वक्त भी आए थे हम, तो हम बहुत छोटे थे उस वक्त और 6 to 5 years पहले तो फिर हम छोटे थे। सो उस वक्त हम गए थे सरगोधा की ट्रिप भी थी हमारी, सो अपने कजन्स के साथ गए थे एंड हमने पूरा दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारा पहला एक्सपीरियंस है जैसे हम लोग पहला एक्सपीरियंस है हमारा तो हम तो काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है लाहौर का एंड सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है तो बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा है एंड धुंध भी है सर्दियाँ भी हल्की हल्की दिखाएंगे आप मतलब अभी से धुंध हो गई तो मैं सोचे दिसंबर में क्या दिसंबर में क्या होना है एंड हमने भी अब विलेज लाइफ अच्छे से देखनी है, एक्सप्लोर करनी है। फर्स्ट टाइम हम इस तरह जा रहे हैं सो काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। सो आपको भी साथ साथ दिखाएंगे। से परिणीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन के है सच्ची तुम हो सितारों के परे हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी किसी की मर्जी। वेलकम बैक एंड हम लोग को 1.5 hours हो गया हम लोग घर से निकले हुए एंड सुबह के 9:38 हो रहे हैं एंड हम लोग सरगोधा टूर प्लाजा इंटर हो रहे हैं एंड हम थोड़े स्नैक्स वगैरह खा रहे थे क्योंकि हमने सुबह का ब्रेकफास्ट मतलब थोड़ा मतलब नॉर्मल किया, चाय पी हुई हमने ज़्यादा कुछ नहीं। तो सुबह हम जल्दी निकल गए थे कि आज केम टू टाइम पहुंच जाए और आपको पता है कि हम निकले। सो या एंड हम स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं थोड़े बहुत और हम अपने सॉन्ग्स इंजॉय करते करते वहाँ पहुँच जाएंगे। सो फिर हम आपको बीच के सब कुछ दिखाएंगे, काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है। एवरी वन वेलकम बैक एंड हम लोग ने आपको लास्ट अपडेट दी थी कि हम सरगोधा इंटर हो गए हैं। सो हम मैं आपको बता दूँ कि हम ये मिलने किससे आए हैं। सो हमारे फादर की हैं खाला, सो हम का हैं काफ़ी सारे सो रिलेटिव्स हैं हमारे फादर के, सो हम उनसे मिलने आए हैं। सो हम एक आंटी से मतलब फादर की खाला से मिल चुके हैं, काफ़ी अच्छी थी वो। सो हम उनके घर या किसी के घर व्लॉग नहीं करते क्योंकि हर किसी के घर पर व्लॉग करना अच्छी नहीं लगता, तो हम सिर्फ आपको अपडेट दे देंगे हम किस किसी के जहाँ हमें होगा वहाँ कर देंगे थोड़ा बहुत व्लॉग जहाँ हम कम्फर्टेबल होंगे, बाकी जी जिसके घर ना वो खुद कम्फर्टेबल होंगे ना हम, सो उनके घर हम नहीं, लेकिन जहाँ हम खुद होंगे तो आपको बता देंगे कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं और किस तरह का माहौल है, लेकिन हमने आपको सब कुछ दिखाना है। एंड अभी हम गाड़ी में हम दूसरे रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, सो घर जाके आपको फिर या वहाँ तो हम नहीं करेंगे, सो कम्फर्टेबल नहीं है
बट हम गाड़ी में आपको अपडेट देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो हम सरगोधा में ही हैं एंड यहाँ का इन्वायरमेंट देख के हमें काफ़ी मतलब अलग लग रहा है, बट विलेज का माहौल आप लोगों को पता है कैसा होता है। वन वेलकम बैक। और जैसे मैंने आपको पहले अपडेट दी थी कि हम हर किसी के घर ब्लॉग नहीं कर सकते, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, सो हमने दूसरी जो फादर के रिलेटिव्स हैं उनके हमसे मिलने हमने और हम उनसे मिले, काफ़ी अच्छे थे वो भी, सब भी अच्छे हैं। एंड हम अब दूसरी आंटी के घर जा रहे हैं, सो उनसे भी मिलेंगे। एंड विलेज लाइफ जैसे हमें दिख रही है खेत वगैरह, सो बहुत अच्छा। अभी हम लोग क्या अब जा रहे हैं आंटी खाले घर और वहाँ पर जाके देखते कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पर मतलब नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन शायद अगर हम हो तो, अगर वो कंफर्टेबल हो तो हम लोग कर लेंगे। हम तो आपको पता ही हम कंफर्टेबल ही हैं। तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और तो फिर वहाँ पे आके देखते हैं, कोई चांस ही ना तो हम लोग जरूर कर लेंगे। अभी तक हम आपको गाड़ी में मिलने होंगे तो आपको फिर समझ, आपको बताया हम बात कर रहे हैं कि वो दूसरे बंदे कंफर्टेबल नहीं है तो आपको समझ आ गया क्यों हम गाड़ी में कर रहे हैं, तो हम इसलिए आपको आगे की क्लिप देते रहेंगे। क्योंकि ये विलेज माहौल है, सो मतलब हम जितने कम्फर्टेबल होते हैं वो कैमरे के सामने या किस चीज़ के लिए कम्फर्टेबल नहीं होते, सो उनके सामने थोड़ा ये चीज़ अवॉइड करते हैं हम लोग। बट ठीक है, सही है, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा हम आपको पूरी विलेज लाइव एंड इन्वायरमेंट यहाँ का एंड रिलेटिव तो नहीं, लेकिन हम अपनी आपको दिखा देंगे हमारा क्या रिएक्शन है यहाँ की चीज़ों एंड इन्वायरमेंट को देख के। सो या एंड आगे जैसे हम कहीं जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, या जिस आंटी के घर जा रहे हैं अगर वहाँ हमें कम्फर्टेबल या मौका मिला आपको अपडेट वगैरह दे देंगे। वेलकम बैक। एंड हमने जहाँ आपको बोल सके जहाँ आप कंफर्टेबल होंगे वहाँ हम आपको दिखा देंगे। एंड हम खाना खाने बैठ गए, हम खाना खाने लगे, सो खाना खाने के बाद फिर आपको मिलते हैं। सो एवरीवन, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि विलेज के घरों में कितनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है और इन्होंने कितनी अच्छी तरह ग्रीनरी की दी। एंड ये प्लांट्स वेजिटेबल्स प्लांट हैं, हमने इनसे कन्फर्म किया कि वेजिटेबल प्लांट्स हैं ये। एंड आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मुर्गियों का इन्होंने एक अलग से एक केज बनाया हुआ है, सो हमें काफ़ी डर लगता है, सो हम इनके पास नहीं गए। एंड आप लोग देख सकते हैं हमें कैट भी मिल गई जो बहुत क्यूट है। वेलकम बैक। एंड हमें एक कैट छोटी सी पाली सी और जिसकी आप लोगों को क्लिप भी मिल जाएगी। हम जहाँ हमारे फादर की हमारे फादर की आंटी के घर मतलब उनकी खाला के घर, सो यहाँ एक कैट भी है एंड हैंड्स वगैरह भी हैं, सो अभी आपको वो भी दिखाते हैं। हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर, सो हमें कंफर्टेबल है तो हम इसलिए थोड़ा सा मतलब आपको अपडेट वगैरह दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक विलेज लाइफ है तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा भी सही है। इसको भी देखो, इसको भी देखो, हेलो। हमें हमारी कैट्स की याद आ गई है इसे देख कर, बहुत क्यूट है ये। आप सबको पता है कैट्स कितनी सारी थी, हमें वो सब अब याद आ रही हैं। अभी हम लोग खाना हमने खा लिए एंड अभी हम चाय वगैरह पियेंगे, गाड़ी में मिलते हैं क्योंकि हम अपना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, बट फिर भी हम आपको गाड़ी में। एवरीवन वेलकम बैक। एंड हमने आपको लास्ट अपडेट दी थी कि हम लोग गाड़ी में थे, क्या गाड़ी में थे एंड हम लोग दूसरी आंटी के जहाँ हम स्टे करने वाले, सो हम उनके घर पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा वेट भी लग रहा है, पर ठीक है हम लोग यहाँ पर भी यार रात को हमें स्टे करना है तो हम लोग का ठीक लग रहा है यहाँ का। हमें अभी हम लोग मतलब सारी बातें वगैरह कर रहे हैं और मतलब हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे, सिर्फ से रात को ही मिले रात को आपको, क्योंकि हम फर्स्ट यहाँ कंफर्टेबल नहीं थे तो हम आप थोड़ा हमने बोला कि आपको अपडेट दे रहे थे क्या कि हम उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, सो उसके बाद से तो फिर आप खाना वगैरह सब कुछ खाएंगे, यहाँ पर इतना वो नहीं है क्योंकि यहाँ पर कम लोग हैं और आराम से कंफर्टेबली मतलब कंफर्टेबल ही होता है बनाना, तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे आस्ते आस्ते। और हमारी कोशिश है कि हम खाने के बाद आपको रात को या सुबह में भी अपडेट रात को देंगे, या अगर नहीं दे पाए तो आपको सुबह देंगे अपडेट, क्योंकि हमने सुबह क्योंकि हम रात यहाँ स्टे करेंगे एंड सुबह हम लोग फिर निकल जाएंगे टाइम से, तो अब फिर हम आपको भी अगले अपडेट में मिलेंगे। सो एवरीवन, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि रात को हमने आपको अपडेट नहीं दी, लास्ट हमने आपको दी थी कि हम लोग खाना वगैरह खा के यहाँ स्टे करने वाले हैं, सो रात को एकदम इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई एंड हम लोग तो काफ़ी डर रहे थे क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि बिजली वगैरह कड़क रही है एंड इतना माहौल बना हुआ है, सो हमें इस माहौल से थोड़ा सा डर लग रहा था। काफ़ी अच्छा माहौल था एंड बारिश बहुत ठंडी थी, पानी बहुत ठंडा था, सो एंड उसके बाद पहले तो सर्दी थी लेकिन बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई। एंड हम लोग कराची के हैं तो हमें इतनी सर्दी की आदत नहीं है, बट अब हमें हो रही है आहिस्ता आहिस्ता।
क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है, नॉर्मली होती है, एंड वो काबिले बर्दाश्त होती है। तो यहाँ की तो अभी स्टार्टिंग की ठंडी हमें इतनी ज़्यादा लग रही है, सो आगे देखते हैं। एंड हम लोग, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग, अब हमने आपको सुबह अपडेट नहीं दिया, एंड हम लोग यहाँ सरगोधा से निकल चुके हैं। सो हमने बोला कि आपको अपडेट नहीं है, बाद में देते हैं। सो हम नाश्ता वगैरह करके, उस वक्त हम थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थे, एंड हम भूल गए थे बिल्कुल ब्लॉग करना, भूल गए थे हम। तो हमने सोचा कि आपको गाड़ी में अपडेट दे देंगे, लेकिन वो भी हम सोचा कि थोड़ी देर बाद देते हैं, उसके बाद आपको अपडेट हमारी दिख जाएगी। एंड या हम सरगोधा से जा रहे हैं। सो या अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। एंड हम लोग सरगोधा से निकल चुके हैं। यस, एंड हमने आपको रात को अपडेट दी थी। यस, हमने रात को अपडेट दी थी, रात को अपने बारिश भी दिख हुई। कल रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। एंड हम सरगोधा से निकल चुके हैं। रास्ते में हम मार्ट पे रुके हैं थोड़ा सा, कि कुछ कचरा कुछ ले लें खाने पीने के लिए। सो हम पीछे कचरा बड़ा, मतलब कचरा ओके, बट अब हम कुछ अपना खाने पीने का लेते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं। एंड रास्ते में हम और मोटरवे पे, सो लाहौर जा आने वाले। तो आप भी बताइएगा आप लोगों को हमारी हर ट्रैवलिंग सीरीज कैसी लगती है, लाइक ये हमारी छोटी कराची टू लाहौर, एंड देन और भी बहुत सारी हमारी कराची टू लाहौर तो बहुत स्पेशल थी, बट ये छोटी सी हमारी मिनी ट्रिप थी, हमें मज़ा आया फादर के हर रिलेटिव से मिल के। मज़ा आया हमारी एक दूसरी हमारी ट्रिप व्लॉग था। सो आपको इंशाल्लाह मज़ा आया होगा, एंड आगे भी इंशाल्लाह एक ट्रिप आने वाली है, कमिंग सून इंशाल्लाह। सो इसके बाद फिर हम आपको मिलेंगे, या हम कुछ खा रहे वगैरह आपको दिखा देंगे हम क्या मतलब खा रहे हैं, या जो भी, या लाहौर जाके आपसे सीधा मिलते हैं। जैसे मैंने बोला था कि हम मार्ट पे रुके हैं, सो हम कुछ कचरा पचरा खाने के लिए रुके थे, तो हम खा रहे हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। एवरीवन, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ये हमारा एक मिनी ट्रिप था सरगोधा का। सो अगर इंशाल्लाह आगे भी व्लॉग्स आएंगे, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब।